इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल कार्गो ट्रेन प्रोजेक्ट में आज़रबाईजान भी शामिल होने को तैयार है। पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफीर अली अलीज़ादा ने पाकिस्तान, तुर्की और ईरान में आइंदा बरस से शुरू होने वाली रेल प्रोजेक्ट पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान 2021 से ट्रेन सर्विस शुरू की जा रही है। आज़रबाईजान भी इस मंसूबे को खुशायंद करार देते हुए इसमें शामिल होने की ख्वाहिश रखता है और यकीनी तौर पर आज़रबाईजान के मुतलका हुकाम इस पर ज़रूर गौर कर रहे हैं कि कैसे मुस्तकबिल में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान इस कार्गो ट्रेन पर आज़रबाईजान का परचम भी शामिल कर लिया जाए। आज़रबाईजान के पाकिस्तान में सफीर अली अलीज़ादा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्रेन का रूट भी शेयर किया। याद रहे कि नगोर्नो काराबाग की जंग के दौरान आज़रबाईजान का मौकिफ सोशल मीडिया पर मुसलसल पेश करने पर पाकिस्तानी अवाम में अली अलीज़ादा बहुत मकबूल हुए और उन्हें आज़रबाईजान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात में तकवीत देने वाला सफीर समझा जाता है। अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज़रबाईजान भी जल्द पाकिस्तान, ईरान और इस्तांबुल के ट्रेन प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है और इस हवाले से बातचीत जारी है। याद रहे कि पाकिस्तान अब उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी अपना एक ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जिस हवाले से वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने ऐलान किया कि ये 2020 की सबसे अच्छी खबर है। उन्होंने बताया कि वस्ती एशियाई रियासतों के लिए ये एक मुकम्मल रादारी का काम करेगी, जिसमें पाकिस्तान पिशावर से तूरखम तक अपनी रेलवे लाइन को तामीर करेगा, जबकि बकिया काम अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की के साथ मिलकर एक कार्गो ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जिसे ITI का नाम दिया गया है, जिसे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया और अब इसमें आज़रबाईजान के सफीर की जानिब से आज़रबाईजान की शमूलियत की भी खुशखबरी सुनाई जा रही है।